तो दोस्तों जो काम सालों से नहीं हो रहा था वो काम अब फाइनली होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल अब यहाँ पर भारत में टू व्हीलर्स को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक टीवीएस मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन दोनों ने फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर काम शुरू कर दिया है, स्पेशली टू व्हीलर्स के लिए। इन्होंने इनफैक्ट पुणे में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द ये इस तरह की टेक्नोलॉजी को भारतीय बाजार में उतारना चाहते हैं। वैसे अब ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी व्हीकल्स को हायर परसेंटेज ऑफ ब्लेंडेड इथेनॉल को झेलने के लिए। अब वैसे इथेनॉल देखा जाए तो इतना ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन फिर भी एनवायरमेंट के लिहाज से देखें तो ये काफी ज्यादा सेफ है। भारत के बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर बच जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत मिशन की तरफ ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, बिकॉज खाड़ी के देशों पर अभी फिलहाल की हमारी जो निर्भरता है उसे किसी ना किसी हालत में तो कम करना ही है। करेंटली देखें तो एट प्रेजेंट यहाँ पर भारतीय सरकार 8.6% इथेनॉल को ब्लेंड कर दे रही है पेट्रोल में, और आने वाले समय में अब जल्दी ये 8.6% से सीधा 20% होने वाला है। इसी रीजन के चलते सरकार ने सभी ऑटो कंपनीज को कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द इथेनॉल वाले व्हीकल्स की वायबिलिटी को टेस्ट करना शुरू करना है, और भारतीय कस्टमर्स को आने वाले समय में उन्हें ऑप्शन देना है फ्लेक्स इंजन का भी। इसी पर अब टीवीएस मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तो काम शुरू कर दिया है। वैसे अब इंडस्ट्री को सबसे बड़ा कंसर्न यही लग रहा है कि भारतीय सरकार ने जो टारगेट सेट किया है कि उन्हें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, जिसके लिए 1016 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल हमें लगेगा हर साल, तो इतनी कैपेसिटी तो अभी फिलहाल है ही नहीं। अभी करेंटली देखें तो हम 457 करोड़ लीटर्स पर एनम पर स्टैंड करते हैं। सो इस पर भी काफी तेजी से काम चल रहा है। यहाँ पर न केवल प्राइवेट बल्कि सरकारी कंपनीज भी अपने कैपेसिटी को काफी तेजी से एक्सपेंड करने में लगी हुई है। सो काफी बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में भारत इस टारगेट को आसानी से अचीव कर सकता है। इनफैक्ट 55% ऑफ जितनी भी एस्टिमेटेड प्रपोज न्यू कैपेसिटी है तो वो तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका यहीं पर बेस्ड है, और जिस स्टेट में अभी फिलहाल ऑलरेडी हाई ब्लेंडिंग रेट मौजूद है तो मोस्ट लाइकली वही पहला ऐसा स्टेट बनेगा जो E20 के टारगेट को भी अचीव कर सकता है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टू व्हीलर्स के लिए तो यहाँ पर काम शुरू हो चुका है फ्लेक्स इंजन के ऊपर, लेकिन अभी फोर व्हीलर्स को लेकर यहाँ पर किसी भी ऑटो कंपनीज की तरफ से कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। सो फ्यूचर में अगर इस पर कोई अपडेट निकल कर आती है तो जरूर आपको इसकी अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।